इस सभागार में उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार और निदेशक महोदय को आभार जो उन्होंने इस मंच से सेमिनार प्रस्तुति देने का सौभाग्य प्रदान किया। मेरे सेमिनार का विषय है चुनार की सिरेमिक कला कल और आज। इस सब्जेक्ट को चुनने का मेरा एक पर्सनल रिलेशन भी है कि जब मैं यहाँ पढ़ा करता था 94 में यहाँ आया था, 96 में यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो उस वक्त चुनार जाते थे तो कई एक फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी, चिमनी चलती रहती थी, रोड किनारे सिरेमिक्स के पात्र हुआ करते थे। लेकिन 20 वर्षों के बाद जब फिर इधर आना हुआ तो मैं वहाँ गया तो देख करके बड़ा उदास हुआ कि आज मात्र सारी फैक्ट्रियाँ पहले की बंद हो चुकी है, मात्र एक फैक्ट्री अभी चल रही है और जो घर घर में रोजगार था वो शायद 2-4 घरों तक सिमट करके रह चुका है। तो मुझे मौका मिला तो मुझे लगा कि वो उस चीज़ को प्रस्तुत करना चाहिए आपके सामने। और सिरेमिक शब्द का एक व्यापक विस्तार है और स्पेस से लेकर के घरेलू आइटम तक इसका प्रयोग होता है। और सिरेमिक शब्द एक ग्रीक शब्द से बना है केरामिक, और जहाँ तक पॉटरी की बात आती है तो पॉटरी और सिरेमिक में कन्फ्यूजन होता है अक्सर कि भाई पॉटरी क्या है, सिरेमिक्स क्या है। तो वैसे पॉटरी जिस पर ग्लेज ना चढ़ाया गया हो, सिंपल क्ले का बना हुआ हो, तो उसे पॉटरी कहा जाता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर किसी तरह का ग्लेज नहीं है तो इसे हम पॉटरी कहेंगे। लेकिन जब इस पर कांच का एक लेप चढ़ा दिया जाता है ताप के द्वारा, एक विशेष प्रक्रिया होती है फर्नेस के थ्रू, तो सिरेमिक्स के अंतर्गत उसको हम लोग कहेंगे। और सिरेमिक्स में भी दो तरह के क्ले यूज करते हैं, एक स्टोन वेयर एक अर्दन वेयर। इसमें बेसिक अंतर यह है कि जो स्टोन वेयर है एक हाई टेम्परेचर पर उसे पकाते हैं और अर्दन वेयर का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। स्टोन वेयर में कोई भी तरल पदार्थ ऑब्जर्व नहीं करता, सूखता नहीं है, और अर्दन वेयर में कोई भी तरल पदार्थ डालेंगे तो जो पॉट होगा वो उसको ऑब्जर्व करेगा, उसमें सूखने की क्षमता होगी, पोरोसिटी रहती है। ये बेसिक अंतर है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी इस संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ लोगों से बातचीत करने के उपरांत ये पता चला कि इसका कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। कोई कहता 500 साल पहले शुरू हुआ था, किसी ने कहा 300 साल पहले शुरू हुआ था। तो मैंने कहीं नेट पर भी इसके बारे में जानकारी ली तो ऐसा कहा जाता है कि 500 साल पहले वो एक महिला थी जो सिरेमिक कला में निपुण थी, उन्होंने इस कला को प्रारंभ किया और उन्होंने अपने साथ एक सहायक में कनौजिया कुम्हार को साथ में रखा था। उस महिला के बाद वो कनौजिया कुम्हार का जो पीढ़ी है वही इस कला को आगे बढ़ाया। कुछ लोग कहते हैं कि मुगल काल में यह कला बहुत फला फुला और मुगल के उनके अभिलेख में इस कला के चर्चा के की गई है। तो लोग कहते हैं कि एक मोहम्मद कासिद नाम के एक निपुण कलाकार थे, उन्होंने इस सिरेमिक्स कला की शुरुआत की है। तो इस संबंध में ऐसा कोई बहुत स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, लोगों के कहने के अनुसार इस तरह से अनुमान लगाते हैं कि करीब 500 साल या 300 साल के ये कला वहाँ से चली आ रही है। सिरेमिक कला के विषय वस्तु वहाँ के हैं, आप देख रहे हैं शेर हैं, हाथी है, घोड़ा है, और इसकी खासियत यह है कि ये ग्लेज आपको हिंदुस्तान में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का चुनार का जो सिरेमिक्स है केवल चुनार में ही उपलब्ध होता है, और इनका जो ग्लेज का तरीका है वो लोग बताते भी नहीं हैं, यहाँ तक कि वो अपने घर के परिवार के लड़कियों को भी नहीं बताते जब वो ग्लेज का निर्माण करते हैं, और जब अप्लाई करते हैं वो भी वो लोग दिखाते नहीं हैं। इसीलिए ये जो ग्लेज है मिश्रित ग्लेज, आप देखते होंगे शेर के बॉडी पर
अजीब अजीब तरह का ग्लेज है, तो ये टिपिकल चुनार का ही ग्लेज है। हिंदुस्तान में और कहीं इस तरह का ग्लेज प्रयोग नहीं किया जाता है। ये सब ग्लेज बेसिकली लो टेम्परेचर के हैं और लाल रंग के मिट्टी पर की गई है। ये कुछ पक्षी हैं और शिव जी का है। खिलौने बनते थे, लेकिन अब चूंकि खिलौने बहुत तरह के बनते थे, लेकिन प्लास्टिक के खिलौने आने के कारण इन लोगों ने खिलौना बनाना बंद कर दिया, तो अब वो सामग्री उपलब्ध नहीं है, इसीलिए आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन जो अभी मार्केट में चल रहा है वो सामग्री आपके पास है। ये जो नीचे के पात्र देख रहे हैं ये स्टोनवेयर है, और ऊपर के जो पात्र है अर्दनवेयर है। चुनार की सिरेमिक की एक खासियत है कि उनके जो डार्क कलर होते थे वो स्थानीय मिट्टी से तैयार करते थे, एक स्थानीय पत्थर होता है उसे तैयार करते थे। देवी देवताओं की मूर्ति में शिव, काली और दुर्गा प्रयोग करते थे। एक कारण यह भी रहा था कि उनके ग्लेज डार्क कलर के होते थे, वो उस तरह के ऑब्जेक्ट का निर्माण करते थे जो डार्क कलर में ज्यादा निखरे। उनके बनाने की विधि है, चार तरीके से वो लोग बनाते थे। चाक का प्रयोग करते हैं जो बहुत दिनों से चला आ रहा है, बहुत लोग करते हैं इसको। सांचे का प्रयोग करते हैं और हाथ से डोलिया कर, जिसे कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो सांचे में नहीं बनते हैं तो उसको हाथ से ही वो लोग निर्माण करते हैं। और एक मिट्टी का घोल जिसको स्लिप कास्टिंग कहा जाता है, सांचे के अंदर गीली मिट्टी का घोल डालते हैं और फिर उसको पुनः बाहर निकाल देते हैं। तो एक समय अंतराल में सांचे के अंदर पूरा लेयर बन जाता है मिट्टी का और फिर उसको खोल लिया जाता है। सिरेमिक पात्र बनाने के तीन अवस्था है, प्रथम अवस्था हम लोगों ने देखा, ये दूसरी अवस्था में ग्लेज चढ़ाते। ये उनका नेचुरल अपना ग्लेज है, स्थानीय एक सिनहरा पत्थर है उसको डस्ट बनाते हैं, कांच का डस्ट बनाते हैं, सुहागा जिसको बोरेक्स कहा जाता है उसको उसमें मिलाते हैं, और मोरंग जो वहाँ की पहाड़ियों पर छोटे छोटे कंकड़ वाली पत्थर होती है डार्क कलर में, उसका भी वो लोग निर्माण करते हैं। तो ये उनका एक निजी कंपोजिशन होता है, वो अक्सर किसी को बताते नहीं हैं। हर परिवार का अपना अपना एक कंपोजिशन है ग्लेज का। अब ये कांच प्रलेपन की जो विधि है उसके ऊपर चलाते हैं, कैसे चढ़ाते हैं, तो एक तो वो किसी बाल्टी में उसके जो घोल होते हैं उसमें डुबाकर पॉट को निकाल लेते हैं, दूसरा है उस पर ब्रश से ड्राइंग करते हैं, और तीसरा है स्प्रे मशीन द्वारा उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तृतीय अवस्था में उसकी पकाने की प्रक्रिया होती है। रेड किले को गले चढ़ाने के लिए दो बार पकाना पड़ता है। आप देख रहे होंगे यहाँ एक बार ये पक चुका है, इसके ऊपर ग्लेज चढ़ाते हैं और पुनः फर्नेस में डालते हैं तो ग्लेज पक करके बाहर आता है। और ये देख रहे होंगे ये कच्ची मिट्टी है, स्टोन वेयर है, ये कच्चे में ही ग्लेज चढ़ाते हैं और फर्नेस के बाद ये स्वरूप लेता है। तो पकाने की प्रक्रिया दो तरीके से है, कि एक तो कच्चे में ही ग्लेज चढ़ाते हैं, एक है कि बिस्किट फायरिंग करते हैं लो टेम्परेचर में और फिर दोबारा फायरिंग करते हैं, इसके उस पर ग्लेज चढ़ जाती है। उनके फर्नेस ये डाउन ड्राफ्ट होते थे, अक्सर वो कोयला से प्रयोग करते थे, तो फर्नेस में ऊपर हीट निकल ना जाए इसके लिए ऊपर चिमनी नहीं दिया जाता था, चिमनी का जो निकास होता है वो नीचे से दिया जाता था, इसमें टेम्परेचर वो बराबर बना रहे। करीब आज़ादी के बाद 60 के दशक में सरकार ने इस सिरेमिक कला को प्रोत्साहन के लिए
एक राजकीय चीनी पात्र विकास केंद्र खोला और उसका काम था कि एक ही जगह पर, चूंकि चीनी पात्र बनाने के लिए कई एक तरह की मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए एक ही जगह पर सबको मिट्टी उपलब्ध हो जाए और विभिन्न प्रकार के ग्लेज उपलब्ध हो जाए, इसके लिए केंद्र खोला और कम लागत पर वहाँ के कारीगरों को सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी। और कोई चाहे तो अपना निजी इकाई खोले, उसके लिए भी सहायता प्रदान की जाती थी और उनकी शर्त पूरा करने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होता था और वहाँ से उनको मटेरियल उपलब्ध कराया जाता था। दूसरी चीज, यदि कोई निजी इकाई नहीं खोल रहा है, उसके पास स्पेस अपना नहीं है, पैसा नहीं है, तो उनके लिए सरकार ने फर्नेस बना रखे थे 5, आप वो किराए पर देती थी, आप काम करिए, किराया दीजिए और फर्नेस का उपयोग करिए। किसी के पास जगह नहीं है तो कार्यशाला बना कर रखा गया था, आप उस कार्यशाला में काम करिए, फिर फर्नेस किराए पर लीजिए और अपना सामान पकाइए और मार्केट में बेचिए। और वहाँ लोगों से बात हुई तो वहाँ की कला आसाम तक जाती थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बंगाल तक। सिरेमिक कला की, बस एक मिनट, वर्तमान स्थिति यह है कि डीजल से चलने वाली मात्र एक फर्नेस है जहाँ अभी काम हो रहा है। दूसरा है कि 2-3 परिवार ही बचे हैं जो महादेव जी की कृपा है उनकी मूर्तियाँ बनती है और महादेव की कृपा से बिकती है। कुछ लोग हैं जो प्लास्टर के सांचे की मूर्ति देवी देवता के बना करके काम चला रहे हैं। कुछ लोग हैं खुर्जा और गुजरात से सिरेमिक पात्र आता है, लोग यहाँ सेल करते हैं और कहा जाता है कि मात्र 5% या उससे कम चुनार में बनती है, बाकी सब बाहर से आ रही है। निष्कर्ष सबसे पहले है कि यदि इसको सर्वाइव करना है तो नए जनरेशन के लोगों को, युवाओं को इसके साथ जोड़ना होगा, डिजाइन के स्तर पर काम करना होगा, जो आज के समय में, चूंकि उनकी डिजाइनें भी पुरानी हो चुकी है तो आज के समय के हिसाब से डिजाइन करना होगा, उनके फर्नेस जो कोयले से चलते थे उनको आधुनिकीकरण करना होगा, गैस की व्यवस्था करनी होगी। और कला एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जब जब सरकारी संरक्षण मिला तब तक फला फूला और संरक्षण खत्म हुआ तो कलाएं भी समाप्त हो गई, ये इतिहास बताता है। तो जब तक सरकार का बरदहस्त था तब तक ये फला फूला, करीब बताते हैं लोग 2005 में लास्ट भट्टी बंद हुई, उसके 10 साल पहले से धीरे धीरे बंद होनी चालू हो गई थी। तो 2005 के बाद से सारी फर्नेस बंद हो गई और काम करीब करीब ठप है। कहते हैं लोग कि और 2-4-5 साल चले, जो लोग बूढ़े लोग काम कर रहे हैं वो गुजर जाएंगे, उनके आने वाले जनरेशन भी उस काम को करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ इसमें यह है कि वही कला अभी चल रही है जो रेड मिट्टी की है, क्योंकि उसमें कॉस्ट कम आता है और भोले बाबा का आशीर्वाद है, वो बिक रही है, उसे कुछ परिवारों का अभी तक चला जा रहा है। धन्यवाद।